हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना पूरी किचन में। आज मैं आपको खसखस वाला गाजर का हलवा, बिल्कुल बाजार जैसा और आपने जैसा शादियों में खाया होगा उससे भी बढ़िया टेस्टी आप घर पे बना के खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं बहुत सारी खसखस डाल के बनाती हूँ। तो चलिए फिर आपको मैं बनाना बताती हूँ, एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैंने 500 ग्राम गाजर ली है, धो के और छील के रख लिया था पहले ही। अब हम गाजर को लेंगे और गाजर के टुकड़े इस तरह से करेंगे। आप थोड़े बड़े साइज के भी रख सकते हैं और सभी गाजरों को हम इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब हम कुकर लेंगे और कुकर में गाजर को डाल देंगे और मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, मैं दूध इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि मैं बाद में खोआ का यूज करूंगी। जब तक हमारी 5-6 सीटी लगती हैं, हम खोआ बनाना आपको बताते हैं। ये मेरी 2 दिन की मलाई है और मैंने थोड़ा सा इसमें दूध भी मिला दिया है। जब तक हमारी 5-6 सीटी लगती है तब तक हमारा खोआ भी बन जाएगा और खोआ को बनने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू लिए, काजू को मैंने काट लिया है और पिस्ता को भी हम लेके थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। और मैंने 3 चम्मच खसखस ली है। जब तक हम खोआ भी देख लेते हैं। देखिए खोआ भी हमारा गाढ़ा हो गया है। इस खोआ को 15 मिनट लगे हैं सिर्फ बनने में। मैं अगले वीडियो में आपको मलाई से खोआ भी बनाना बताऊंगी। अब हम एक कटोरी में खोआ को निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम कुकर को भी देख लेते हैं खोलकर। 5-6 सीटी लग गई हैं। देखिए गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको एक बड़े से कटोरी में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और 3 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और मैं खसखस भी डाल दूंगी और हल्का सा खसखस को हम घी में भुनने देंगे। ऊपर से इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। अब हम कटोरे में जो गाजर रखी थी वो भी डाल देंगे और अच्छे से गाजर को हम मस लेंगे चम्मच से कि जब तक ये थोड़ी सी बिल्कुल टूट ना जाए बिल्कुल। और ऊपर से हम 3-4 चम्मच चीनी मिला देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी मिला सकते हैं। और 1 चम्मच फिर से घी डाल देंगे ऊपर से और थोड़ा सा हम इसका पानी सूखने देंगे। पिस्ता डाल देंगे, काजू डाल देंगे, थोड़े से मैं भी डाल रही हूँ काजू और पिस्ता, फिर बाद में भी डालूंगी थोड़े से। अब हमने जो खोआ बनाया था मलाई से वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे खोआ को कि गाजर के हलवे अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऊपर से 1 चम्मच इलायची पाउडर और डाल देंगे और काजू डाल देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।